हे गाइस, आज मैं करूँगा एक बहुत ही शानदार सा इवनिंग टाइम का विलेज सीनरी पेंटिंग। तो गाइस, चलिए हम आज का पेंटिंग शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का जो पेंटिंग हम करेंगे वो है एक इवनिंग टाइम का विलेज सीनरी पेंटिंग। आप इसको इवनिंग टाइम भी कह सकते हैं और मॉर्निंग टाइम भी कह सकते हैं। मतलब इवनिंग और मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्केच कर लेता हूँ, वो भी कलर्स से, ठीक है। तो गाइस, स्केच जो है वो पेंसिल से करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कलर से कर रहा हूँ। वो इसलिए कि ये जो पेंटिंग जो बोर्ड है इस पर पेंसिल से स्केच नहीं किया जाता। तो आपके मन में अगर ये प्रश्न उठ रहा है कि ये तो फिर कौन सा पेंटिंग बोर्ड है या फिर कैसा कैनवास है कि इस पर पेंसिल से स्केच नहीं किया जाता, तो इसलिए मैं आपको बताऊँ कि ये जो पेंटिंग बोर्ड है ये मैं अपने घर में खुद बनाता हूँ। और आप अगर चाहते हैं कि ये मैं कैसे बनाऊँ ये देखने के लिए, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिस पर मैंने दिखाया कि इस पेंटिंग बोर्ड को मैं कैसे अपने घरों में बनाता हूँ। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा हूँ, आप अगर चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और ये जो कलर, मतलब जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एक अलग तरीके का कलर है। इस कलर का नाम है अर्थ कलर या फिर पाउडर कलर, ठीक है। तो इस कलर के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि ये कलर कौन सा कलर है, इस कलर को मैं कैसे रेडी करता हूँ। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है, आप अगर जानना चाहते हैं मेरे इस कलर के बारे में तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो गाइस, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने जो स्केच कर लिया है वो एक राफ स्केच कर लिया, मतलब एक्यूरेट स्केच मैंने यहाँ पर नहीं किया है। एक्यूरेट स्केच मैं कोई भी पेंटिंग पर नहीं करता हूँ, खासकर जब मैं कोई नेचर सीनरी पेंटिंग करता हूँ, क्योंकि पेंटिंग करने के टाइम मैंने पहले से ये कभी भी मतलब रेडी करके नहीं लेता कि मैं आज क्या क्या पेंटिंग करूँगा, ठीक है। मतलब पेंटिंग जब मैं करना शुरू करता हूँ तब उसके बाद मेरे मन में ऐसा ऐसा जो थॉट आते हैं और उसके ऊपर बेस करके मैं पेंटिंग बनाता हूँ। तो इसीलिए आप अगर ये कभी नोटिस करना कि मैं ऐसा भी कोई चीज़ होता है जो मैं स्केच के टाइम मैंने वहाँ पे स्केच नहीं किया लेकिन वो भी मैं बाद में पेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूँ कि मैं जो भी पेंटिंग करता हूँ उसका मैं स्केच सिर्फ एक राफ स्केच कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब राफ मतलब एक अप्रॉक्स स्केच, मतलब D2 जो स्केच किया सिर्फ उतना ही पेंट किया, ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अभी मैं पेंट कर रहा हूँ वो एक सूरज, ठीक है। मैंने अभी ये सोचा कि चलो यहाँ पे अगर एक मैंने एक सूरज पेंट कर देता हो, जैसे कि यहाँ पे जो पानी है उसके ठीक ऊपर, ठीक है, आधा सूरज दिख रहा है। तो ये जब मैंने स्केच कर रहा था तब मेरे मन में ये नहीं आया कि यहाँ पर मैं कोई सूरज भी पेंट करूँगा, लेकिन मैं ये बाद में सोचा कि यहाँ पर एक सूरज पेंट करने से अच्छा लगेगा, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर एक सूरज पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो स्केच करता हूँ उसी हिसाब से मैं पेंट करता हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब मैं अपने मन से बहुत कुछ निकलता हूँ और उससे मैं अपना पेंट करता हूँ। तो ये जो हमारी मन से जो पेंटिंग करने का जो एक सोचने का जो क्षमता होती है ना, ये आप अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो ये जो क्षमता है ये आपको आज नहीं तो कल आपके मन में डेवलप करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आर्टिस्ट का तो यही एक सबसे खास बात है ना कि वो अपने मन से कोई भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अपने मन से कुछ भी अमेजिंग सा बना सकता है। तो इसीलिए आपके माइंड का जो पावर है पेंट करने का वो बढ़ाइए। मतलब कि कोई भी पेंटिंग का जो तस्वीर है या फिर कोई भी तस्वीर पिक्चर देखकर आप पेंटिंग मत बनाइए, आप जितना हो सके अपने मन से पेंटिंग बनाइए। इससे क्या होगा, इससे आपके जो सोचने का जो क्षमता है पेंटिंग के लिए वो बहुत ही बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने
जो स्केच करने के बाद जो कलर मैंने किया है, सबसे पहले मैंने स्काई का कलर दे दिया है, तो शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम आसमान का जो कलर होता है वो पूरा नील नहीं होता वहाँ पर, मतलब शाम के टाइम पे, मतलब दिन के जो टाइम होता है ना, उस दिन के टाइम के अंदर शाम के टाइम सबसे सुंदर होता है, मतलब सबसे अच्छा होता है। उस टाइम आसमान का जो कलर है बहुत ही रंगीन सा होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो शाम का टाइम का जो पेंट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वो बहुत ही कलरफुल, ठीक है। और यहाँ पे सूरज डूब रहा है, ओके, मतलब आज का जो ये सीनरी है ये बहुत ही सुंदर तो है ही, उसके साथ साथ जो बिगनर्स है, जो पेंटिंग अभी नया नया सीख रहा है, उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है। और ये ट्यूटोरियल मैं हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि सभी को समझ आ सके इस पेंटिंग के बारे में। तो इसीलिए जो लोग नया नया पेंटिंग सीख रहे हैं उसको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है बिगिनर्स के लिए। और एक बात, अगर आप फिर भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी पार्ट या फिर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आया है, तो आप क्या करना, आप इसको दोबारा से रिपीट करके देखना। ऐसा ही मैं करता था जब मैं पेंटिंग सीख रहा था, तो अगर मेरे को कोई भी वीडियो का जो पार्ट है वो मैंने समझ में नहीं आया है, तो मैं क्या करता था, तो मैं उसको दोबारा से देखता था, ठीक है। जब तक मेरे को समझ में ना आ जाता तब तक मैं उसको देखते रहता था, ठीक है। एक बात है ना कि ऑब्जर्वेशन पावर हमारा जो आर्टिस्ट लोग है उसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जितना अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे आप उतना ही अच्छा आपके अंदर, मतलब ये जो सोचने का, ठीक है, इसका जो क्षमता है ये बढ़ेगा। तो इसीलिए पेंटिंग प्रैक्टिस करना तो एक सबसे बड़ी बात है ही, उसके साथ साथ आपको ऑब्जर्व भी करना होगा कि आप कैसे पेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बंदा कैसे पेंट कर रहा है, ठीक है, इसको आप अच्छे तरह से ऑब्जर्व करना होगा। तो इसीलिए मैं जैसे पेंट कर रहा हूँ, आपको अगर मेरी पेंटिंग, मेरी काम पसंद आए, जिसके भी हो, चाहे मेरा हो या फिर किसी और का हो, आपका जिसका काम पसंद आए उसको आप बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। हम जो बिगिनर्स हैं वो क्या गलती करते हैं कि पेंटिंग के जो वीडियोस हैं ना वो स्किप कर देते हैं, मतलब एक पेंटिंग देखा, मतलब वीडियो यूट्यूब में उसको थंबनेल देखकर बहुत ही पसंद आ गया, लेकिन पेंटिंग जब प्ले किया उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी उसको स्किप कर देते हैं, मतलब पहले थोड़ा देखा, उसके बाद 2 सेकंड मिडिल में देखा, और उसके बाद एक डायरेक्ट हम एंड चला जाते, मतलब लास्ट में चला जाते, लास्ट में देखते कि एंड में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, ऐसे करने से आप सिर्फ वीडियोस देखेंगे लेकिन उससे आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए आप अगर कुछ सीखना है तो आप एक वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आप बहुत कुछ आप सीखने को मिलता है। आप चाहे तो वीडियोस मत देखिए, आपका अगर वीडियो देखने का मन नहीं है तो उसको मत देखिए, लेकिन जब देखना ही है तो अच्छे से देखिए, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने पहले आसमान का कलर, उसके बाद यहाँ पर मैंने सूरज को पेंट किया, ठीक है, उसके बाद पानी को पेंट किया, अभी पानी के ऊपर जो लैंड है, मतलब जहाँ पे घर है, पेड़ पौधे, ट्री है, ये सब मैंने यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। तो देखिए पेंट करने का जो एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है वो ये है कि आप कोई भी नेचर हो, लैंडस्केप हो, सीनरी पेंटिंग, ये सब आप कोई भी पेंटिंग करते हो, तो एक चीज़ तो कॉमन है कि आपको जो दूर का चीज़ है वो आपको पहले पेंट करना होगा, ठीक है, तभी आपको पेंटिंग अच्छा होगा। तो इसे देखिए मैं दूर का जो चीज़ है वो मैं पहले पेंट कर रहा था। जैसे कि देखिए सबसे पहले मैंने आसमान को पेंट किया, सबसे दूर का चीज़ वही है, मैंने आसमान को पेंट किया। उसके बाद देखिए जो सूरज है उसको पेंट किया, उसके बाद देखिए ये जो पानी है पानी को पेंट किया। अब देखिए पानी तो दूर का चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी पानी दूर भी है और पास भी है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, पानी का जो एक बेसिक कलर है, मतलब प्राइमरी कलर। अब पानी का प्राइमरी कलर क्या है, देखिए पानी का तो अपना कोई कलर नहीं होता, पानी के ऊपर
जो जो भी कलर का शेडो पड़ता है यानी उसी कलर का ही हो जाता है। जैसे कि देखिए, अगर समझ लीजिए कि दोपहर के वक्त है और आसमान पूरा नीला है, तो वहाँ पर आपका पानी भी नीला ही दिखेगा। और अगर आसमान ऐसे लाल है या फिर ऐसे ही पीला है, तो वहाँ पर पानी भी उस कलर की हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर हमारा आसमान जो है ऑरेंज, येलो, ये सब मिलाकर है। तो मैंने जब ये आसमान को पेंट कर रहा था, तो उसी ब्रश, मतलब जिस ब्रश से मैं आसमान का कलर दे रहा था, उसी ब्रश से मैं पानी का कलर भी यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि आसमान और पानी का कलर सेम ही है, और इसलिए ब्रश को दोबारा से धोना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं पानी को यहाँ पे एक बार में ही पेंट कर दिया है। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद मैंने क्या किया, पानी को पेंट करने के बाद, लेकिन मैं पानी को फिनिशिंग कलर नहीं दिया है। ये जो कलर मैंने पानी के ऊपर दिया है, ये कलर है एक रफ और प्राइमरी कलर। उसके बाद मैं जब आसपास का जो नेचर है, ये सब सारे के सारे पेंट कर दूंगा, पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर एक मैं ब्रिज भी पेंट करूंगा। तो जब मैं ये सब पेंट कर दूंगा, तब उसके बाद जाके मैं सबसे एंड में पानी को हाईलाइट करूंगा, ठीक है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने जो पेड़ घर के पीछे पेंट किया है, उसका भी मैंने कोई स्केच नहीं किया था, क्योंकि मुझे पहले से ये नहीं पता था कि मैं कहाँ पे कौन सा पेड़ पेंट करूँगा। जैसे कि इसके सामने मैं एक ब्रिज को अभी पेंट करूँगा, ठीक है, जो उस घर की तरफ से, मतलब उस पार से इस पार आएगा, एक लकड़ी का ब्रिज। तो उस ब्रिज को पेंट करने का भी मेरे को प्लान नहीं था पहले से, वो मैंने अभी डिसाइड किया था कि यहाँ पर मैंने एक ब्रिज को भी पेंट करूँगा। तो ऐसा ही, मतलब मैं क्या करता हूँ, ऐसा नहीं कि जो स्केच करता हूँ वही करता हूँ, या फिर जो पेंट करूँगा उसका स्केच मैं ज़रूर करूँगा, ऐसा नहीं है। मैं एक स्केच करता हूँ एक राफ के लिए, जो कि मैं आज ऐसा एक पेंट करूँगा, मतलब ऐसा एक विलेज पेंट करूँगा, ठीक है। तो ये एक राफ पेंट करता हूँ, उसके बाद में जब तक मेरे को पेंटिंग चलता है, मतलब पेंटिंग जब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद मेरे मन में बहुत सारा चीज़ आता है और धीरे धीरे मैं उसको पेंट करता जाता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं एक पेड़ को पेंट कर रहा हूँ, तो इसका प्लानिंग भी मेरे को पहले से नहीं था, वो मैंने अभी प्लान किया है कि चले यहाँ पर एक पेड़ पेंट करते हैं, वो देखने में अच्छा लगेगा। तो देखिए, इसीलिए मैं यहाँ पर एक पेड़ को पेंट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं सबको ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको पेंटिंग सीखना हो, तो हमारा जो इमेजिनेशन पावर है, इमेजिनेशन पावर मतलब हम अपने अंदर कुछ सोचते, कुछ तस्वीर बनाते हैं, और उसके हिसाब से हमको पेंटिंग करना होता है। तो ये जो एक तरीका है, ये जो एक पावर है, ये सबसे बेस्ट है। मतलब इसी को ही क्रिएटिविटी बोलते हैं, इसी को ही आर्टिस्ट का एक पावर बोलते हैं, क्योंकि ये जो पावर है, ये आर्टिस्ट के अलावा और किसी में भी नहीं है। अगर किसी के पास भी ये पावर है, मतलब आपने इमेजिनेशन के ऊपर बेस करके कुछ क्रिएटिव करने का तरीका, तो उसको ही आर्टिस्ट बोलते हैं। वही कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप भी ये अपने मन से पेंटिंग करना प्रैक्टिस कर दीजिए। हाँ, एक चीज़, एक दिक्कत क्या आती है कि जब हम पहले से ऐसा इमेजिनेशन के ऊपर बेस करके कोई पेंटिंग बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो ये कुछ नहीं बनता, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है। जब भी मैं ये सोचता हूँ कि चलिए बहुत तो मैंने कोई तस्वीर देखकर पेंटिंग कर लिया है, अब मैं एक काम करता हूँ, अपने इमेजिनेशन के ऊपर बेस करके एक पेंटिंग बनाता हूँ, ठीक है, तो तब भी मेरे को जो पेंटिंग वो अच्छी तरह से नहीं बनती थी। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके करके मैं आज मेरे इमेजिनेशन के ऊपर बेस करके कोई भी पेंटिंग में बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो पावर है, ये आपको एक दिन में डेवलप नहीं होगा, इसके लिए आपको कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करके जाना है, और सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, आपको इमेजिन करना है प्लस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इससे आपको होगा क्या, इससे आपको धीरे धीरे आपका जो पेंटिंग है वो बेटर होता रहेगा, ठीक है। तो गैस, अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, दूर का जो चीज़ है, मतलब आसमान है, सूरज है, और दूर का जो पेड़ है, वो जो घर है, ठीक है,
वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया है। अब इसको पेंट करने के बाद अभी देखिए हमारा जो पास का जो चीज़ है, मतलब ये जो लैंड है अभी जो मैं पेंट कर रहा हूँ वो इस पर का है, ठीक है। तो इस पर का जो लैंड है ये अभी मैं पेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ब्रिज पेंट करूँगा, मतलब उस पार से इस पर आने का एक ब्रिज यहाँ पे मैं पेंट करूँगा। और यहाँ पे कुछ घास पेंट करूँगा, कुछ झाड़ियाँ पेंट करूँगा, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे चीज़ है ये सब मैं यहाँ पे अभी पेंट करूँगा। तो इसको भी आप बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो चीज़ मैं पेंट कर रहा हूँ जिस तरीके से, ये मतलब इतना सिंपल तरीका है कि मेरे को ये उम्मीद है कि कोई भी जो बिगिनर्स है वो आप इस तरीके को बड़े ध्यान से देखें तो आप ये ज़रूर सीख सकते हैं। ये इतना आसान है, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान से ये ऑब्जर्व करना है, देखना है और आपको ये प्रैक्टिस में लाना है। एक चीज़ और, आप मान लीजिए कोई किसी का पेंटिंग बड़े ध्यान से देखते हो, ठीक है, लेकिन आप अपने घर में प्रैक्टिस नहीं करते तो उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम किसी का पेंटिंग देखते हैं, उसका तरीका देखते हैं, तो हमारे मन में आता है कि हाँ यार ऐसा मैं कर सकता हूँ, शायद कर सकता हूँ, ठीक है। और देखते बाद में हम भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। जब भी हम देखें किसी का पेंटिंग, जब तक वो हमारे मन में याद रहे तो हमें तुरंत से फटाफट से उस तरीके का अप्लाई करना है। जब भी आप उस तरीके का अप्लाई कर दोगे तब आपके मन में वो रहेगा, मतलब वो आप भूल नहीं सकते। लेकिन जब भी सोचेंगे कि यार ठीक है हम बाद में करेंगे, हाँ ये तरीका तो हमने देख लिया है, अब हम इसको याद रखेंगे और इसको बाद में करेंगे, लेकिन वो बाद में याद नहीं रहता है, ठीक है, आप उसको भूल जाते हैं। तो इसीलिए आप एक बार दो बार उसको अप्लाई कर दीजिए, अपने काम में प्रैक्टिस कर लीजिए, तब देखिए वो तुरंत से आपके यादों में, मतलब आपके जो स्किल में वो जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा पेंटिंग ही हो या फिर किसी का हो, अब जिसको पेंटिंग आपका अच्छा लगे, जिसका टेक्निक आपको अच्छा लगे, उसका पेंटिंग आप देखो, उसके बाद उसका जो टेक्निक है उस टेक्निक को आप अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। इससे आपका जो पेंटिंग का जो स्किल है वो भी और बढ़ेगा, ओके। तो जो भी हो, हमारा यहाँ का जो पेंटिंग है वो लगभग आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। अभी जो पेंटिंग करना बाकी है वो इस पार का चीज़ है, यानी कि ये जो लैंड है यहाँ पे कुछ झाड़ियाँ पेंट करेंगे, घास पेंट करेंगे और कुछ फ्लावर्स पेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सब पेंट करने के बाद हमारा जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये जो घास मैंने यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, इस घास को भी पेंट करने का जो तरीका है ये मैंने आपको बहुत बार दिखाया है और यहाँ पे भी मैं दिखाया हूँ, क्योंकि जो घास पेंट करने का जो तरीका है ना, हम जब कोई भी नेचर पेंटिंग करते हैं या फिर कोई भी लैंडस्केप पेंटिंग करते हैं तो ये सब चीज़ें हमको बड़ी कॉमन होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको हर कोई नेचर पेंटिंग में या फिर हर कोई लैंडस्केप पेंटिंग में ये आपको ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये सब पेंट करना आप सीख लीजिए। आपको अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने घास को पेंट कर दिया है, अभी मैंने यहाँ पे एक झाड़िया को पेंट कर रहा हूँ। तो ये झाड़िया को पेंट करने का देखिए मैंने पहले क्या किया था, सेम प्रोसेस जैसे कि मैंने उस घर के पीछे जो ग्रीन कलर का जो पेड़ मैंने पेंट किया था वही प्रोसेस। तो पहले मैंने डीप ग्रीन कलर दे दिया था और उसके बाद पत्तियाँ को हाईलाइट करने के लिए मैं लाइट ग्रीन कलर दे दिया है, ठीक है। तो गाइस अभी देखिए यहाँ पर मैं एक और तरह का पेड़ पेंट कर रहा हूँ, ये है पास के पेड़, यानी कि हमारे नज़दीक का जो झाड़ियाँ है ये वो पेड़। तो देखिए ये जो पेड़ है, इस पेड़ को पेंट करने का जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए आप इसको भी सीख लीजिए, ध्यान से देखिए। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने डीप ग्रीन कलर से इसके जो पत्तियां है वो मैंने बेसिक कलर, मतलब पेड़ का जो बेसिक कलर है वो मैंने दे दिया। उसके बाद
डीप ग्रीन कलर के अंदर थोड़ा सा येलो कलर मिलाया और एक एक करके ऐसे करके पत्ते दे दिया है। ठीक है, अब जब कोई भी नज़दीक वाले झाड़ियाँ हो या फिर पेड़ हो, जब पेंट उसको पेंट करेंगे तो आपको ऐसे ही पेंट करना होगा, क्योंकि क्या है ना, जो दूर का जो पेड़ है उसका पत्ते तो क्लियरली नहीं दिखता है, लेकिन पास का जो पेड़ है नज़दीक का उसका पत्तियाँ तो हमको क्लियर दिखती है, तो उसको आप ऐसे पेंट करना ताकि आपको दिखने में अच्छे लगे। तो ऐसे करके ये जो पेड़ है इसको मैंने पेंट कर दिया है। अभी इसके जो फूल है फ्लावर्स उसको देखिए मैं पेंट कर रहा हूँ। तो ये जो फ्लावर्स है इसको भी मैं पेंट कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से। इसको भी अगर कोई भी एक बार देखेगा तो वो ज़रूर सीख जाएंगे। तो देखिए, एक तरफ मैंने ऑरेंज कलर का फ्लावर्स दे दिया है, एक तरफ मैं ब्लू कलर का फ्लावर्स दे दिया है। ठीक है, तो अभी हमारा पेंटिंग जो लगभग कंप्लीट हो गया है, और अभी हमारा एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करूँगा जो है यहाँ पे एक छोटा सा नाव। तो देखिए, पेंटिंग का ये एक बहुत ही बड़ा चीज़ है कि पेंटिंग को आप जितना डिटेल्स में करोगे, मतलब पेंटिंग में जितना डिटेल्स ऐड करोगे आपका पेंटिंग उतना ही अच्छा लगेगा। जैसे कि देखिए डिटेल्स क्या है, यहाँ पे नाव है, ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स है, हाँ। तो ये सब मैंने पहले पेंट करने के लिए मैं नहीं सोचा था, लेकिन मैं अभी इसको पेंट कर रहा हूँ क्योंकि इससे पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक नाव पेंट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो लहरें हैं यानी कि पानी के अंदर जो लहरें हैं उसको भी पेंट कर देंगे। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सूरज के ऊपर, मतलब सूरज के पास आसमान में, दूर आसमान में दो बर्ड पेंट करूँगा, यानी कि ब्लैक कलर से दो बर्ड वो जो दूर से उड़ते हुए इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का पेंट कर देंगे। उसके बाद हमारा ये जो पेंटिंग है ये बिल्कुल भी कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे तो और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम बस इतना ही करेंगे, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो देखिए हमारा पेंटिंग जो है अभी कंप्लीट हो गया है। तो गाइज़, ये रही मेरी आज की पेंटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से जाकर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।